हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका के बीच में क्या अंतर है ये जानेंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मैं आपको बता दूं कि वो गलत है, ऐसा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका दो अलग अलग शब्द हैं जो दो अलग अलग चीज़ों को संदर्भित करते हैं। अमेरिका की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है जिसमें दो महाद्वीप और एक द्वीप शामिल हैं। अमेरिका शब्द पूरे पश्चिमी गोलार्ध को संदर्भित करता है जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड शामिल है। दूसरे शब्दों में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मिलकर अमेरिका व केवल अमेरिका बनाते हैं। विश्व का लगभग 28.4% भूमि क्षेत्र अमेरिका से बना है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका या USA के तौर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसमें 50 राज्य शामिल हैं। इसे अक्सर अमेरिका के लिए संक्षिप्त किया जाता है और यह एक संघीय गणराज्य है और जनसंख्या, भूमि और क्षेत्र दोनों के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अंतर स्पष्ट है, फिर भी इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। यह भ्रम इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि जब कोई कहता है कि वे अमेरिका से हैं या वे अमेरिकी हैं, तो वे संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका का जिक्र कर रहे होते हैं, ना कि दो महाद्वीपों का।